दोस्तों आखिरकार तीसरे वनडे मुकाबले में पहले मोहम्मद सिराज और हार्दिक पांड्या का तूफान हम सभी को देखने के लिए मिला और फिर इस दौरान इनकी घातक गेंदबाजी देखकर युजवेंद्र चहल और शमी ने भी पूरा मैच पलट कर रख दिया। आखिरकार क्या हुआ था आज तीसरे वनडे मुकाबले की गेंदबाजी के दौरान, वो सब तो आपको आज के इस वीडियो में हम दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले अगर आप भी सिराज और हार्दिक पांड्या के फैन हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और आप भी हमें नीचे कमेंट में बताइएगा कि मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह में से कौन एक अच्छा गेंदबाज, अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। हां दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में तीन मैचों की वनडे सीरीज का आज तीसरा वनडे मुकाबला खेला गया। तो वहीं दोस्तों इस तीसरे वनडे मुकाबले में आज कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इंग्लैंड की टीम को पिच का हाल देखते हुए बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। और यहां जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो यहां इंग्लैंड के दो बड़े विकेट मात्र दूसरे ओवर तक ही गिर गए थे। दरअसल दोस्तों यहां मोहम्मद सिराज ने पहले तो जॉनी बेस्ट्रो को सुरेश अय्यर के हाथों कैच आउट करवाया, तो वहीं फिर इसी दूसरे ओवर की छठी गेंद पर जो रूट का विकेट लेकर मोहम्मद सिराज ने लगातार ये दो विकेट हासिल किए। तो वहीं दोस्तों ये दो बड़े विकेट गिर जाने के बाद फिर मैदान पर उतरे बेन स्टॉक्स, जहां जेसन रॉय और बेन स्टॉक्स के बीच अच्छी साझेदारी होती। उससे पहले ही जेसन रॉय आज हार्दिक पांड्या की गेंद पर ऋषभ पंत के हाथों कैच थमा बैठे और जेसन रॉय 31 गेंदों में 41 रन बनाकर पवेलियन लौटे। तो वहीं इनके आउट हो जाने के बाद मैदान पर उतरे बेन स्टॉक्स, जहां बेन स्टॉक्स 29 गेंदों में मात्र 27 रन ही बना सके और इनका विकेट भी हार्दिक पांड्या ने लिया। तो ऐसे में दोस्तों चार विकेट इंग्लैंड की टीम के मात्र 74 रन के कुल स्कोर पर ही गिर चुके थे और इंग्लैंड की टीम काफी बुरी स्थिति में पहुंच चुकी थी, जहां जॉस बटलर और मोइन अली इस दौरान कोशिश तो कर रहे थे इंग्लैंड की टीम के स्कोर को आगे तक लेकर जाने की। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज कहां उनको टिककर बल्लेबाजी करने देने वाले थे और इस दौरान युजवेंद्र चहल और मोहम्मद शमी ने भी अपने हाथ खोले और शानदार विकेट एक के बाद एक चटकाकर इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर ढकेलने का काम किया। तो ऐसे में दोस्तों आज के इस मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ भारत का प्रदर्शन बेहद ही लाजवाब और शानदार था, जिसको देखने के बाद पूरा भारत देश भी खुश हो गया। तो ऐसे में दोस्तों यहां हार्दिक पांड्या और मोहम्मद सिराज की जो गेंदबाजी थी उसी की बदौलत आज ये पूरा मैच पलट सका। हालांकि इस दौरान मोहम्मद सिराज को काफी ज्यादा टिप्स विराट कोहली देते हुए भी नजर आए और एक तरह से विराट कोहली भी इस मैच में भारत के लिए कप्तानी करते हुए हम सभी को दिखाई दिए। हालांकि दोस्तों इस दौरान भारतीय टीम के खिलाफ इंग्लैंड की टीम उतरी तो इसी मकसद से थी कि वो आज के इस मुकाबले में आसानी से 300 से पार का लक्ष्य भारत के सामने रखेगी। लेकिन दोस्तों यहां भारतीय टीम के गेंदबाजों की बदौलत इंग्लैंड की टीम के बल्लेबाजों का सपना पूरा ना हो पाया और उनकी टीम एक के बाद एक विकेट गंवाती चली गई, जहां इंग्लैंड की टीम ने अपने चार सबसे महत्वपूर्ण विकेट बस मात्र 74 रन पर ही गंवा कर ये जता दिया था कि आज के इस मुकाबले में भारत की ही जीत सुनिश्चित है। तो ऐसे में दोस्तों भारतीय टीम आसानी से इस मुकाबले को अब जीत जाएगी और जैसे ही भारतीय टीम इस मैच को जीतेगी उसके साथ ही वो वनडे सीरीज को भी अपने नाम कर लेगी। बाकी आप सब यहां पर तस्वीरों में भी देख सकते हो और बाकी आप सभी की क्या राय इनकी गेंदबाजी के बारे में और आप किसकी गेंदबाजी को 10 में से 10 नंबर देना चाहोगे, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।